इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान चित्रकूट में वास कर रहे हैं, कैसे जग से भक्ति और वैराग्य के साथ ज्ञान वास कर रहा है। जैसे देवराज इंद्र मैया शची और जयंत के साथ अमरावती में वास करते हैं, जैसे कामदेव रति जी और ऋतुराज के साथ बसंत ऋतु में वास कर रहे हैं, ऐसे भगवान हमारे श्रीधाम चित्रकूट में वास कर रहे, वन में वास नहीं कर रहे। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर के रतिर तो राज समें। हम कहां बसते हैं, हमारी कैसी भावना है, वो हमारा वास है। वन में बसते हैं, आनंद में रहते हैं, तो हम आनंद नगर में वास करते हैं। कोठी में रहते हैं और कांटों पर शयन करते हैं, तो हमारा कांटों पर वास है। एहसास, अनुभूति, मनस्थिति, मनस्थिति हमारी परिस्थिति को जैसे प्रस्तुत कर लेती है, हम वहां रहते हैं। भगवान अमरावती में जैसे इंद्र शची जयंत के साथ वास करते हैं, वैसे वन में वास करते हैं। भक्त ज्ञान वैराग्य, श्री लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य हैं, मेरी माँ जगजननी पारंबा भगवती सीता महारानी भक्ति हैं और प्रभु ज्ञान स्वरूप है। भक्ति ज्ञान स्वरूप वैराग्य के संगम ऐसे आनंद हो रहा है, अनुभूति ऐसी है। अच्छा, ये अनुभूति मनस्थिति है। जैसे हमको सुख प्राप्त हो, आनंद की अनुभूति हो, हम वहां रहते हैं। गद्दों पर भी लोगों को नींद नहीं आती है, रातें गुजर जाती हैं करवट बदल बदल के। कई लोग दवा खाते हैं तब भी नींद नहीं आती, कई लोग इतना सोते हैं कि दवा खाने की याद नहीं रहती, तो मनस्थिति है। वो जीव भाग्यशाली है जो बिना दवा के सो रहा है। एक भाई को मैं जानता हूं, वो पिछले 9 साल से सोए नहीं। हमको उनके पिताजी मिले तो बोले, महाराज जी ये आपका बच्चा 9 साल से सोया नहीं। तो मैं मुस्कुराया, कह कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैंने पूछा कि कितने पेच लगा रखे हो इसमें, नींद कब नहीं आती है। जब ये पांचों कोस में 15 पेच कसेंगे आप, तो नींद नहीं आएगी।
जिस जिसकी नींद गायब है समझ लो कि पेच बहुत लगा रखा है, निकाल फेंको। नींद कब नहीं आती है? जब शरीर और मन एक साथ नहीं होता। अरे बिस्तर पर गए कि सोए, आराम। भगवान वन में आनंद में रहते हैं क्योंकि आनंद स्वरूप है, इसलिए रोने का काम नहीं। भगवान को वनवास हो गया, बड़ा कष्ट, कष्ट वहां आता ही नहीं, भगवान के पास कष्ट नहीं जाता, दुख नहीं जाता। सुख स्वरूप रघुवन शमन, भगवान दुख स्वरूप नहीं है। जो सुख स्वरूप है उनका भजन करके, स्मरण करके, सेवा करके भी कोई दुखी है तो वो धरती का प्रधान अभागा है। भगवत भजन करके कोई दुखी नहीं रहता है। भगवान का भजन करे तो भजन ही सुखी कर देता है, भगवान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। काय दुखी रहना। कल आपने गाया हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। Why disturb? क्यों अपने को परेशान करना। चिंता मुक्त होइए और आनंद में रहिए। भगवान यहां वास कर रहे हैं। सची जी महाराज श्रीधाम अयोध्या पधारे और जैसे ही खबर चक्रवर्ती जी को दिए, चक्रवर्ती जी ने ये मनुष्य रूप में वचन मांगा था, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि मड़ी। चली जाए तो सर्प का जीवन जैसे नहीं रहता है, जल से निकल जाए मछली तो उसका जीवन नहीं रहता है। प्रभु आप मेरे जीवन से चले जाएं तो मेरा जीवन न रहे, अस बर मांग चरण गई रहे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज सोचने लगे, इस शरीर को रख करके क्या करूंगा जिसने राम प्रेम का निर्वाह नहीं किया, स्वीकार नहीं हो पा रहा है। जब स्वीकार कर लेंगे उत्पात नहीं आएगा। ये बड़ा कठोर धर्म है स्वीकार धर्म, सरल नहीं है। विपरीत स्थिति और विपरीत व्यक्ति के साथ भी रहकर यदि चित्त में मन में स्वीकार धर्म आ जाए तो उस जीवन में उत्पात नहीं होगा। अभ्यास करना पड़ता है 10-12 साल, कई बार तो 24 साल लग जाता है, नहीं तो ब्रह्म तेज जग जाता है तुरंत। हाँ, आप में से कई लोग होंगे, आप में से भी और जो पूरी दुनिया में सुन रहे हैं वो लोग भी, थोड़ा भी प्रतिकूल भया, ऐसे लाल होते हैं जैसे अग्नि में डालने पर लोहे की राड लाल हो जाती। जब हम किसी परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के ऊपर कुपित होते हैं तो जानते हैं जब लोहा कुपित होता है तो लाल होता है वो। आप जब क्रोधित होते हैं ना तो आप अपने रक्त को जलाते हैं, हम कुपित होते हैं तो रक्त को जलाते हैं।
इसी से बीमारी उत्पन्न होती है हाइपरटेंशन की, क्या बोलते हैं उसको, उच्च रक्तचाप। इतना कहां बर्दाश्त, स्वामी जी कल बजा दिए। हम तो कलाकार हैं नहीं, हम तो कथावाचक हैं, जब ना आप लोग बजाओ तो उन गावत हैं, लेकिन जो बजाए थे इतना कहां बाबा को बर्दाश्त होता था। अरे राम रे राम, जितना राड गर्म उतना प्रेम भूषण गर्म। लेकिन अभ्यास कर रहा हूं कि गर्मी घटे। मैं बहुत क्रोधी था, बहुत, थोड़ा मोड़ा नहीं। अरे साहब, आपको दिखता होगा आज के महाराज कितने मीठे हैं, मीठे हो गए हैं, पहले नहीं थे। पहले तो राघव जी जानते, बाबा आग था, आग। मैंने इसको महसूस किया कि जीव अपनी गति में रहेगा, आप आग रहो चाहे अंगारी रहो, अपने को साधो। ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, अपने को साधो। मैं पहले सोचा करता था कि ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं जैसा हो रहा है इसको ऐसा ही होना चाहिए, केवल स्वीकार करो, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं होता, जैसा हो रहा है वैसा ही होना चाहिए। और जहां आपने सोचा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होना चाहिए, तो गर्म बने रहिए भाई। आप में विवेक है तो अपने को साधी, शांत होने का अभ्यास करिए। दुनिया बदलने वाली नहीं है, दुनिया की अपनी मति गति है। कौशल्या मां ने स्वीकार कर लिया, चक्रवर्ती सरकार को स्वीकार नहीं भया। क्या कहते हैं, इस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने राम प्रेम का निर्वाह नहीं किया। क्यों नहीं जब राम जी गए तो उनके साथ चला गया, क्यों नहीं गया, क्या होगा। श्रवण कुमार के माता पिता का वह शाप, शाप भी नहीं कहेंगे, उनके वचन हम कुछ कहेंगे नहीं, परंतु हमारी पीड़ा का एहसास तुम्हें तब होगा जो आज मेरे साथ उपस्थित है, परिस्थिति तुम्हारे साथ उपस्थित होगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।